बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। एक लंबे अंतराल के बाद में आप सबके सामने हमारे सबसे पुराने चैनल जिसका नाम दिलीप सोनी एस्ट्रोलॉजर है, उस पर एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जिसके माध्यम से एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जब हम रत्न धारण करते हैं उस समय दिमाग में जरूर कौंधता है। कौंधने का मतलब अटैक करता है कि कहीं ये गलत तो नहीं, हमने जिस ज्योतिष से या जिस विद्वान से ये सलाह ली है या जिसने हमें ये सलाह दी है, कहीं वो चूक तो नहीं गए, कहीं वो गलत तो नहीं बता रहे हैं, या कहीं ऐसा तो स्थिति नहीं पैदा हो गई है कि हम जिसे सब कुछ समझते हुए, सब कुछ अच्छा समझते हुए अगर फॉलो कर लेते हैं उनका बताया हुआ ये काम या उनके बताए द्वारा ये स्थिति अगर हम अपना लेते हैं तो कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों इसी सवाल को लेकर अगर ये आपके मन में चल रहा है तो निश्चित आप आज आप उसका जवाब प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी हेडिंग, उसके बाद करते हैं इसके ऊपर एक पूरी विस्तृत परिचर्चा। रत्न धारण करने से पूर्व होने वाला कन्फ्यूजन। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन किस प्रकार का है, सवाल बहुत सारे आपके दिमाग में हो सकते हैं कि रत्न क्या है, कैसा है, नकली है, असली है, कहाँ पहनना है, कैसे पहनना है, उन सब सवालों का अपने अपने स्थान पर जवाब है, अलग अलग है। लेकिन इस बारे में जो हम आगे हेडिंग देखेंगे, अगर वो सवाल आपके मन में है निश्चित आपका सॉल्यूशन आज मिल जाएगा। क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से ये चीज महसूस कर रहा हूं, जितने भी कॉल सेशन हो रहे हैं या जितनी भी कुंडलियां विवेचन आ रही है उनमें से मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल है, जब उनको रत्न बताते हैं तो वो रत्न के बताने के बाद सवाल क्या, तो ये सवाल वो है, ये देखिए। तो दोस्तों सवाल ये है, त्रिक भाव में यदि योग कारक ग्रह की एक राशि हो तो क्या उसका रत्न पहने, और यदि पहनेंगे, क्योंकि किसी ने तो बताया है, या क्योंकि ये सवाल तभी है जब आपको पर्टिकुलर एक रत्न के बारे में बताया गया है कि आपको ये पहनना है, और पहनने से पूर्व ही हमारे मन में कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि ये त्रिक भाव का मालिक भी है तो पहनने पर क्या प्रभाव देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में भी चल रहे हैं या जिसके भी रत्न धारण करने से पूर्व चल रहे हैं तो ये वीडियो पूरी तरह से उनके लिए समर्पित है। सारी चीजों का जवाब क्लियरली आज मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। बाकी कैसा रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज चैप्टर नंबर 203 ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। जिस जिसके भी ये मन में सवाल है, और भले नहीं भी है, भले भविष्य में उठ सकता है, तो सबसे पहले ये जो स्थिति है 12 के 12 लगन, क्योंकि हमारे 12 लगन होते हैं, तो उन सभी 12 लगनों में ये स्थिति हर एक कुंडली के साथ में बनती है। कैसे, तो एक चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं, आपको उस चार्ट के अंकों को देख करके कन्फ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है या मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं होना है कि ये इतने सारे अंकों का अब मैं क्या करूंगा। आपको सिर्फ अपनी कुंडली, वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी, और अपनी जो जन्म पत्रिका है जिसे जन्म कुंडली कहते हैं वो लेकर के आइए और देख लीजिए कि आपकी इनमें से कौन से लगन की कुंडली है, क्योंकि हर लगन के लिए एक ही लाइन के अंदर आपको जवाब मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ये चार्ट। तो दोस्तों ये कुंडली का डायग्राम, और ये हमारा एक विशेष चार्ट जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप किसी भी लगन के हो चंद सेकंडों में आप अपनी बात समझ जाएं। अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, उम्मीद करता हूं आपने कुंडली खोल ली होगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। या किसी भी लगन के हैं तो सिर्फ आपके लिए एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, तो सबसे पहले मेष लगन से समझ लेते हैं। अगर आपका मेष लगन है तो एक नंबर यहां आएगा, पांच नंबर यहां आएगा और नौ नंबर यहां आएगा। जो भी विद्वान होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, जो भी कोई स्थिति होगी, सर्वप्रथम आपको इन तीन के ही रत्न बताए जाएंगे और इन तीनों के ही रत्न आपको धारण करने हैं। अब ये ग्रहों की स्थिति अनुसार सब कुछ देखना है कि ग्रह अच्छी जगह बैठा है तो ही धारण करना है, वो सब एक अलग कैलकुलेशन है। नीच राशि में हो तो नहीं करना है, और दूसरी जगहों पर हो, गलत जगहों पर हो तो नहीं करना है, या वो सब जो चीजें हैं यात्रिक भाव में हो तो नहीं करना है, ये सब आपको पहले से पता है। हम आज जिस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं वो यहीं से निकलेगा। तो वो क्या है, अगर मेष लगन की मैं बात करूं तो एक नंबर यहां होगा, पांच यहां होगा, नौ यहां होगा, तो ये तीसरे भाव में। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे योग कारक है, जैसे इसके अंदर मंगल की बात की जाएगी, एक पांच नौ का मतलब मंगल
सूर्य और ये हमारे गुरु, ये तो सब आप भलीभांति जानते होंगे, इनके जो भी ग्रहों के मालिक हैं। तो इसी में इतनी सी बात समझनी है कि इनकी एक एक राशियां, ये जैसा कि सवाल है, एक एक राशियां अगर त्रिक भाव में बैठी हो, तो देखिए त्रिक भाव में मंगल की ये जो राशि है वो यहाँ 8वें नंबर पर खुद की राशि बैठेगी और यहाँ 12 नंबर पर 12 नंबर ही राशि बैठेगी, तो ये दो त्रिक भाव हो गए, तो क्या मेष लगन का व्यक्ति मूंगा धारण नहीं कर सकता या पुखराज धारण नहीं कर सकता? ये सवाल आपके मन में आता होगा। यानी जो मेष लगन के हैं वो सबसे पहले ये सोचते होंगे कि जब मैं मूंगा और पुखराज धारण करूंगा या इनमें से एक धारण करूंगा या दोनों ही धारण करूंगा, तो क्या मेरा 8वां और 12वां भाव भी एक्टिव होगा? अगर ये सवाल मन में चल रहा है तो दोस्तों इन सब का जवाब अभी आपको कुछ ही देर में बस मिलने वाला है। ऐसे ही बात करते हैं हम वृषभ लगन की, तो आप देखेंगे दो नंबर जब यहाँ होगा तो 7वां नंबर यहाँ होगा, क्योंकि दो के सामने 8, एक माइनस कर लो तो यहाँ 7वां नंबर होगा, यहाँ 9 होगा जो मैंने लिख रखा और यहाँ पर 1 होगा। यानी शुक्र का लगन और शुक्र की एक स्वयं की राशि त्रिक भाव में चली गई, तो क्या इसका रत्न पहना जाएगा? ये सवाल मन में है। इसी प्रकार से एक दो और उदाहरण के समझ लेते हैं। चौथा लगन मान लीजिए किसी व्यक्ति का है और आप देखेंगे 4, 8, 12 तो यहाँ हो गए, यानी कि उसे हर हाल में मोती मूंगा और पुखराज हर कोई बताएगा, लेकिन एक राशि यहाँ पर 5, 6 घर में 9वें नंबर की आ जाएगी, तो आप देख रहे होंगे कि पुखराज पहनने से वो इंसान कतराने लग सकता है, क्योंकि एक राशि यहाँ आ गई, एक राशि यहाँ आ गई, भाग्य भाव और छठा भाव दोनों के परिणाम ये देने वाली है, तो ये सवाल मन में आ सकता है। और बात करें मकर लगन की, तो मकर लगन की जो बुध होता है इसमें 6, 10, 2, 6, 10, 2 और 6, यानी कि शनि, शुक्र और बुध, इन तीनों के रत्न आपको बताए जाते हैं इस लगन के लिए, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो 3रा नंबर राशि 6ठे भाव में चली गई, तो पन्ना पहना जाएगा कि नहीं जाएगा, पहनेंगे तो क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये सारे सवालों के जवाब, सारे जो सवाल आपके मन में चलते हैं, ये वाकई में एक बेहद वाजिब सवाल है कि कहीं ऐसा नहीं कि फायदे के चक्कर में हम घाटा उठा लें। तो दोस्तों बहुत ही आसान जवाब इसका मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, समझ लीजिए ताकि किसी भी लगन के आप हो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो दोस्तों इसका जवाब है, केंद्र और त्रिकोण में यदि योग कार्य ग्रह की किसी भी लगन के लिए एक राशि वहां मौजूद हो गई, तो त्रिक भाव में, यानी ये तीनों त्रिक भाव में, उस राशि का दोष सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। यानी जब भी उसका रत्न पहनेंगे तो जितना केंद्र का फायदा आपको मिल रहा है, जितना त्रिकोण का फायदा मिल रहा है, उतना ही फायदा इन घरों का मिलेगा। कैसे? तो मैं ये त्रिक भाव को एक बार और आपके सामने डिफाइन कर देता हूं। ये त्रिक भाव का क्या मतलब है? इस त्रिक भाव की बात करें तो यहाँ रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा, नौकरी, ये सब कुछ है। तो जिस इंसान को नौकरी की प्राप्ति है और उसका लगन इस तरह से है कि मान लीजिए इनमें एक राशि है और इनमें एक राशि आ गई, तो उस इंसान की नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाएगी, नौकरी में फायदा होने की स्थिति बढ़ जाएगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, या कोई भी जो समस्याएं हैं उनका शमन होगा और इसमें जो उपलब्धि है उसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यानी इस घर की सारी पॉजिटिव चीजें आपके लिए फायदेमंद और ज्यादातर जो नेगेटिव चीजें हैं उनका नुकसान, यानी उनको शमन करना, उनको दबाना या उनका हरण कर लेना ऐसी स्थिति में जायज हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में संभावना यह बन जाती है। 8वें घर यानी कि दूसरे त्रिक भाव की हम बात करें तो यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारियां, खर्चे, लेकिन गुप्त धन भी साथ साथ में इसी में, विद्या साथ साथ में इसी में, गहरा ज्ञान मिलना भी इसी में। यानी अगर देखोगे आप तो 70 और 30 का रेशियो लेके चलोगे, 70 चीजें खराब हैं, 30 रेशियो 30 चीजें अच्छी हैं, तो उन 30 की 30 चीजों का फायदा आपको मिलेगा और 70 की 70 जो खराब चीजें हैं उनका नुकसान आप स्वयं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे कि हमें इसका नुकसान नहीं लेना है, इसको दबाना है, इसको एडजस्ट करना है, यानी इस खराब चीजों को शमन करना है, ये सबसे बड़ा फायदा। यहाँ देखेंगे हॉस्पिटल के खर्च हो गए, जेल यात्राओं के योग कई बार यहाँ से देखे जाते हैं, अनाप शनाप खर्चा, यात्रा वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर है, तो ये सारी चीजों में आपको प्लस फायदे मिलेंगे, माइनस फायदे सारे आपके लिए कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मतलब होता है जब हम केंद्र और त्रिकोण में एक राशि बैठी हो और जो दूसरी राशि यहाँ बैठी हो और उसका रत्न पहनते हैं, तो ये सब कुछ होता है। ये जो सारे गोले देख रहे हैं आप, इनका यही मतलब है, जब भी आप इनका कोई रत्न पहनेंगे तो ये सवाल आएगा। जैसे कि ये तुला लगन की बात करो तो 7वां नंबर यहाँ खुद का है, तो यहाँ दूसरा और छठा आप देखेंगे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे भाग्य भाव के मालिक भी बुध हैं और 12वें भाव के मालिक भी यहाँ पर बुध बने,
तो यहां स्थिति में क्या होगा, पहनना पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, तो निश्चित पहनेंगे, क्योंकि भाग्य मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर ये वाली राशि का जितना भी फायदा हमको मिलना है वो और मिलेगा, यानी कि वहां ये राशि स्वतः ही मजबूत हो जाएगी अपने नुकसान की भरपाई करने में, अपने नुकसान को खत्म करने में, और वहां से भी फायदा लेकर के आएगी, इसका ये सीधा सीधा अर्थ होता है। आप अपने सभी लग्नों को इस प्रकार से समझ सकते हैं जिस जिस भी लग्न में आप हैं, यानी अगर सोच समझ करके रत्न किसी ने बताया है तो उसका फॉर्मूला यही है, कभी भी क्रॉस क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं। लेकिन चूंकि हमारा इंसानी स्वभाव है, मन है, हम जब तक जान नहीं लेते तब तक समझ नहीं लेते, तो ये पूरा समझने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस जवाब से आपको संतुष्टि मिली होगी। इसी के साथ में कुछ छोटी मोटी चीजें ये भी देख लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, संधि लगन, ग्रह चलित, भाव चलित, या जो ग्रह मूविंग हो रहे हो ऐसी सिचुएशन में, तो सबसे पहले चेक कर ले रहे हैं कि योग कारक ग्रह कहीं गलत भाव का परिणाम तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि योग कारक ग्रहों का ही हमको रत्न पहनना है, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन कुछ लगन ऐसे आएंगे जहां और भी स्थितियां होगी, उनमें सब में यही नियम होगा, अगर एक भाव हमको त्रिक का मिला है और एक भाव हमको अच्छे केंद्र का या त्रिकोण का मिल गया है तो निश्चित तौर पर रत्न धारण उसका कर सकते हैं। लेकिन बस अगर वो ग्रह आगे पीछे सरक रहा हो, एक गलत भाव और एक अच्छे भाव का परिणाम दे रहा हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ रुक जाना चाहिए। ऐसे में रत्न ना पहनकर रुद्राक्ष पहनकर उसका लाभ लिया जा सकता है, तो यहाँ रत्न की संभावना कम हो जाएगी। वो हर कुंडली के हिसाब से विवेचन है। देखिए एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी भाव चलित हो गए हैं, बहुत सारे ग्रह चेंज हो गए हैं, तो यहाँ आपको ये चीज सोच समझ करके एप्लीकेबल करनी होगी। इस प्रकार की यदि स्थिति हो तो बहुत सोच समझ के रत्न धारण करना चाहिए, बल्कि ना करें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर 10% 20% आप नुकसान जा रहे हैं किसी चीज में और 80% फायदा मिल रहा है, तो 10% 20% नुकसान भी कई बार हमको बड़ा नुकसान दे जाता है। तो यहाँ सोचने विचारने का विषय है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसको सबसे लास्ट में मैंने बता दिया आपको, इस बारे में जरूर से विचार करके आगे बढ़े। वीडियो के अंत में एक जरूरी ये बात, अन्य बातों में कुछ रह गया हो जो मैं नहीं बता पाया हूं, हालांकि मैंने इसको डिजाइन करने में काफी समय लगाया कि हाँ, जब आपका ये सवाल आया तो मुझे भी लगा कि वाकई में एक उलझन भरी स्थिति है, तो क्यों ना इसको पूरी तरह से क्लियर कर दूं। कुछ रह गया हो, कुछ गलती हो गई हो इस चार्ट में, या कहीं से भी कुछ समझ नहीं आया हो, या मैं नहीं बता पाया हूं, या कुछ और भी इसमें से निकल करके आ रहा हो, तो जरूर उस बारे में बताइए, पूछिए या कमेंट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, समझ आता है वो करिए। तो ये आज के लिए वीडियो, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो आप करते आए हैं अभी तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसलिए इसी प्रकार से करते रहें, चैप्टरों का आनंद लेते रहें, ज्योतिष विज्ञान को सीखते रहें, क्योंकि हमारे इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य, यानी आपके हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम स्वयं अपनी कुंडली देखना सीख जाएं। अगर हम सीख गए तो निश्चित हम अपने परिवार के किसी भी गलती को दोहराने से बच सकते हैं, क्योंकि जो हो चुकी है उनका कुछ नहीं, लेकिन अब जो कोई गलती होने वाली है उसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, कहीं ना कहीं सुधार कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब आप स्वयं इन चीजों को सीखेंगे। तो आपके सीखने से परिवार सीखेगा, परिवार सीखने से समाज, और समाज से देश, और देश से फिर कहना ही क्या, हम कम से कम नुकसान से बच सकते हैं, गलत चीजों से बच सकते हैं। तो ये आपका फर्ज है कि आप इसे सीखें, समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।